Hey guys, namaste and welcome back to my channel and I'm very excited for today's vlog because आज हम जाने वाले हैं plywood लेने के लिए और क्योंकि हम बना रहे हैं फर्नीचर, मतलब घर पे सोफ़ा, कटिंग टेबल, ऑफिस टेबल एंड एक स्टडी टेबल, शू रैक, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बन रही हैं। पहले वैसे मेरे पास सोफ़ा था बट क्योंकि हम पहले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे तो चूहों ने पूरा ख़राब कर दिया था, मतलब लिटरली उसके फोम में चूहे चले गए थे, तो एक जो काउच होता है वो मैंने घर पर ही फाड़ दिया था। चूहे तो निकल गए बट वो रिपेयर नहीं हुआ क्योंकि जो रेडीमेड था सोफ़ा उसका जो प्लाई था वो बहुत ही पतला सा उन्होंने लगाया था। हम जो अभी लाने वाले हैं वो 18 mm का लाने वाले हैं और हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं बिकॉज जहाँ पे हम प्लाई लेने के लिए जाने वाले हैं वो सिटी में है और वहाँ पे फोर व्हीलर में जाना मतलब हेडेक है। तो हम अभी पहुँच चुके हैं और प्लाई तो 18 mm का ही लेना था, प्रीमियम क्वालिटी का, क्योंकि वैसे मेरे पापा की जो पहचान के थे और पहले भी उन्होंने बहुत सारा फर्नीचर बनाया है तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मिला। मतलब जो प्लाई 2700 का था वो हमको 2400 में मिला एंड ऑब्वियसली जिनसे हम फर्नीचर बनवा भी रहे हैं उन्होंने ही मेरी शादी का भी फर्नीचर बनाया था। ये वाला मुझे लेमिनेट पसंद आया था बट उस पर टेक्सचर था और ऑफिस टेबल के लिए वो टेक्सचर में ख़राब हो जाता, सोफ़ा बनाने के लिए उस पर लेमिनेट की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पूरा बाद में फोम और फैब्रिक से कवर हो जाएगा। और फाइनली हमारा जो सामान है प्लाई है वो लोड हो रहा है एंड बिलिंग हो रहा है। बिलिंग वॉज 45,000 की, 45,000 का पूरा सामान हुआ था और बाकी जो हार्डवेयर वगैरह है वो भी अलग से, वो भी एक गुड लक हार्डवेयर बोल के है, वहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में और अच्छे क्वालिटी का सामान मिल जाता है तो हमने वहीं से ये लेग्स लिए हैं सोफ़े के लिए। और उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके थे, घर पे ऑलरेडी जो सामान है वो पहुँच चुका था और सामान उतर जाने के बाद काम भी स्टार्ट हो गया है। आज सिर्फ पाइट्स एंड माइका वो चिपकाने वाले हैं आज, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे से मतलब कल से काम स्टार्ट होगा और क्योंकि मुझे भी काम था तो मैं भी बाहर चली गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। ये है जानवी, मेरी फ्रेंड है और पृथ्वी के एडमिशन के वक्त हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। उसको भी कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे भी कुछ फैब्रिक परचेस करने थे तो हम गए थे सिटी में और उसे कुछ कोरियन टॉप्स लेने थे। तो सिटी में एक शॉप है जहाँ पे कोरियन टॉप्स बहुत अच्छे मिलते हैं तो हम वहाँ पे पहुँचे। उससे पहले हमने पी लस्सी, उसकी शॉपिंग होने के बाद फिर मुझे जाना था चश्मा लेने के लिए मेरे लिए, क्योंकि 5 से 6 घंटे तक मेरा स्क्रीन टाइम होता है और उस वजह से ना मेरी आँखों में जलन होना स्टार्ट हो गया था। तो हम गए थे चश्मा लेने के लिए, वहाँ जाके मैंने बहुत से फ्रेम ट्राई किए लेकिन मुझे फाइनली एक पसंद आया जो ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि मुझे एक थोड़ा सा बड़ी फ्रेम का ही चश्मा लेना है। सब ट्राई करने के बाद मुझे वैसा ही चश्मा पसंद आया जैसा मैंने पहले दिमाग में सोच के आई थी, बड़ी सी फ्रेम का। और अभी जो है हम सिर्फ फ्रेम ट्राई कर रहे हैं, बाद में इसमें हम जो शॉपकीपर है वो ग्लास अटैच करके देने वाले हैं, मतलब लेंस। और जब तक वो उस पर ग्लास लगाते हैं तब तक हम कुछ खा के आते हैं एंड द बिल वॉज 1000 rupees फॉर द चश्मा, जो कि नंबर का भी नहीं था। सिर्फ मुझे इसलिए चाहिए था कि 4 से 5 घंटे स्क्रीन टाइम है तो आँखों में जलन होती थी एंड ऑब्वियसली कहीं अगर हम स्कूटी पर जाते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए। तब तक हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए, खाना खाने नहीं एक्चुअली कुछ बर्फ़ कोला, मोमोज एंड ऑल दैट। चश्मा लेने के बाद उसके बाद हम गए थे हॉस्पिटल क्योंकि मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा स्किन इशू था तो स्किन स्पर्श बोल के गए थे। मुझे रात में आने में बहुत लेट हो गया था इसलिए सुबह उठने में भी बहुत लेट हो गया और सुबह ही मेरे मम्मी पापा का शिफ्टिंग था, मतलब इतने दिनों से वो हमारे बहुत पास रहते थे और हमारे लिए वो बहुत इजी था पृथ्वी को संभालने के लिए। हम कहीं भी जाए तो पृथ्वी को हम मम्मी पापा के पास छोड़ देते थे या फिर उनको हम बुला लेते थे। लेकिन अभी जो है मेरे मम्मी पापा हमसे बहुत दूर जा रहे हैं शेंद्रा, क्योंकि वहाँ पर उनका खुद का घर वो कंस्ट्रक्ट करवाने वाले हैं। पहले जो था पड़ेगा आपने वो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत छोटा था, अभी जो है अच्छा थोड़ा सा बड़ा स्पेशियस वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो शेंद्रा में अभी उन्होंने रहने के लिए रो हाउस लिया हुआ है, उनका सामान यहाँ आ चुका है। सुबह भी मुझे 9:30 बजे थे जाने के लिए और अभी भी हम जब पहुँचे हैं तो मैं खाना खा के इमिडिएटली अपने मतलब इन लॉज के पास गई हूँ क्योंकि ये मेरा ससुराल है। अभी फ़िलहाल ही मेरे ससुराल में ही इन्होंने मतलब रो हाउस लिया है एंड दिस इज़ द रो हाउस। सब सामान वगैरह उनका उतरवाने के बाद, मतलब मैंने तो कुछ उतरवाया नहीं, हम वहाँ पे आए खाना खाए और मैं मेरे इन लॉस के पास चले गई थी, सब कुछ उन्होंने ही किया था लेकिन तब तक घर पे काम चल रहा था। शाम को जब हम लौटे तो ये जो टेबल है ये रेडी था, एल टाइप हमने ऑफिस टेबल लिया है। अभी इसमें सब कुछ ऊपर का सनमाइका, हिंजेस, डोर्स, ड्रॉर सब कुछ बाकी है
लेकिन स्टिल ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा ना मजबूत भी होता है। अगर लाइक इन केस किसी को भी अगर कुछ बनवाना है तो प्लीज़ उसको ना प्लाई में ही बनवाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरा जो बेड कबर्ड और मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मेरी शादी में मेरे पापा ने मुझे दी थी और तब 1,20,000 रुपये लगे थे इन तीन चीज़ों को, तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 6 बार शिफ्टिंग के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड सिमिलरली मुझे अभी भी ऐसा ही स्ट्रॉन्ग चाहिए था। ये है मेरा कटिंग टेबल। एक्चुअली कटिंग टेबल मतलब मुझे फैब्रिक्स कट करने के लिए या फिर और भी बहुत ज़्यादा स्टफ़ है मेरे पास जो उसको मतलब संभालने के लिए चाहिए था। पहले जो था एक लोहे का रैक था, उस पर मैं रखती थी और वो बहुत अनऑर्गनाइज लगता था, मतलब बहुत गंदा लगता था, उस वजह से ये हमने बनवाया। ऑफिस टेबल में अभी डोर्स लग चुके हैं, प्रोबेबली कल सनमाइका भी लग जाएगा और ये ऑफिस में चले जाएगा। कुछ इस टाइप के हिंजेस हैं, मतलब जैसे होता है ना डोर खोलते हैं और ज़ोर से बंद कर देते हैं, तो ये डोर से बंद नहीं होगा, एकदम स्लोली बंद होता है। इस टेबल को हमने इस तरह से बनवाया है कि ये जो ड्रॉर्स है वो राइट लेफ्ट दोनों तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, और जो एक्सटेंशन है एल शेप में उसे भी हम राइट लेफ्ट दोनों में रख सकते हैं, बिकॉज इसको जब हम लेफ्ट में रखेंगे तो जो ड्रॉर्स है स्लाइडिंग ड्रॉर्स वो राइट में रहेंगे, उसको जब हम लेफ्ट राइट में रखेंगे तो स्लाइडिंग ड्रॉर्स लेफ्ट में चले जाएंगे। उसके साथ ये सोफ़ा भी एक है। इसका जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जब पूरा बन जाएगा सब साफ सफाई हो जाएगी तब फोम और फैब्रिक वाले आके इसको अटैच करेंगे। उसके साथ ये एक कॉर्नर टेबल भी है विद द स्टोरेज, लॉट्स ऑफ स्टोरेज, एक्चुअली बहुत सारा सामान इस पर बैठ जाएगा। और जो इस पर सनमाइका है वो हम लगाने वाले हैं इस तरह का, ये लैमिनेटेड सनमाइका है, मतलब इस पर अगर कुछ जैसे पृथ्वी है कुछ अगर वो खरोच वगैरह लग जाती है ना तो पेन लग जाता है, तो उसके जो मार्क्स है वो नहीं दिखेंगे, स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे बेसिकली। एंड पहले ये जो रैक था वो मैं ये यूज़ करती थी, अभी ये पूरा रैक जाने वाला है क्लोज्ड होके और इसको हम कहीं रख देंगे, मतलब ऑब्वियसली फेंकना नहीं है क्योंकि ये कभी ना कभी यूज़ आएगा ही। यहाँ पे एक पार्टीशन रहने वाला है और इस साइड से कुछ ये जो दो टेबल्स है वो अलग अलग है ताकि जब डोर से बाहर निकले तो हम उसको इजीली निकाल पाएँ। अभी वो स्क्रू से फिट किए गए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से पार्टीशन लगवाए गए हैं, नीचे की तरफ से ड्रॉर्स है और ऊपर ओपन ही हमने स्पेस छोड़ा है फैब्रिक्स वगैरह रखने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।